हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मतलब कोई भी जैसे वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है उसमें हिंदी फॉन्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी भी अदर जैसे कि कॉरल ड्रा या फिर पेज मेकर में हिंदी फॉन्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में फुल ट्यूटोरियल के साथ बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर विंडोज़ के ऑप्शन पर आना है, स्टार्ट पर, और यहाँ पर क्लिक करना है और सर्च बार पर आपको टाइप करना है फॉन्ट, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है कैप्चास लॉक करके फॉन्ट FONT फॉन्ट। फॉन्ट टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट का, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपका फॉन्ट का जो भी ऑप्शन है यहाँ पर खुल के आएगा, मतलब आपका फॉन्ट जितना भी आपके सिस्टम में फॉन्ट वगैरह है सब कुछ ऐड है, इसमें क्या कुछ ऐड करना है या फिर नहीं करना है इसमें आपको मतलब लिख के आएगा इसमें कितना फॉन्ट है और नहीं है। देखिए यहाँ पर सारा फॉन्ट जितना भी फॉन्ट मैंने ऐड करके रखा हुआ था तो पूरा आ गया। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। अब आपको करना क्या है, सिंपली आप जिस भी फाइल में फॉन्ट को रखे होंगे, हिंदी फॉन्ट, इंग्लिश फॉन्ट या फिर जो भी फॉन्ट आपके द्वारा डाउनलोडिंग किया हुआ फॉन्ट रहेगा, तो सिंपली आपको करना क्या है उस फॉन्ट को ले लेना है। जैसे मेरा यहाँ पर देखिए मेरा इस फाइल में हिंदी फॉन्ट है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है हिंदी फॉन्ट को और पूरा सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद आपका ये पूरा कॉपी हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कंट्रोल वी, पेस्ट कर देना। ओके, पेस्ट कर देने के बाद आपका जितना भी फॉन्ट है सब इसमें ऐड होने लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, पहले से मैंने ऐड करके रखा हुआ था तो ये नहीं हो रहा है, अगर दोबारा अगर करना चाहूँगा तो ये डबल डबल ऐड हो जाएगा ये फॉन्ट। तो ये देखिए ऐड हो चुका है। तो आप सिंपली से आप हिंदी में लिख सकते हैं पेज मेकर या फिर कॉरल ड्रा या फिर विंडोज़ में। मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लिख के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जैसे इस टाइप का है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हिंदी से लिखूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया एंड देन यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा, जैसे लिखूँगा यहाँ पर पहले फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है, कीर्ति देव या फिर जो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हैं, जिस भी फॉन्ट को ऐड किए होंगे उस भी फॉन्ट को ले लें सिंपली से और यहाँ पर लिखें कुछ भी इस टाइप का, यहाँ पर इस टाइप का आप लिख सकते हैं इस टाइप का। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का इंग्लिश वर्ड में लिख सकते हैं आप सिंपली से, और अपने फॉन्ट को ऐड कर सकते हैं। ऐड करके कोई भी फॉन्ट को हिंदी में कन्वर्टिंग कर सकते हैं इस टाइप का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है उससे उसके लिए मैं अलग से एक न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप सिंपली वहां से डायरेक्टली देख लेना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।